अब मैं आपसे एक दूसरा और बड़ा कठिन सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि मेरे और मेरी सरकार के सामने सदा मौजूद रहता है। अगर मैं कहूँ तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गांधी जी के सिद्धांतों के बीच जन्मे और पले हैं। यद्यपि हमने गांधी जी के विचारों को ना तो अहिंसा के विषय में ना अर्थशास्त्र के विषय में पूरी तरह ग्रहण किया, फिर भी हमने उनमें से बहुतों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे और हो सकता है संसार के लिए भी कुछ हद तक उपयुक्त हों। अब आप जरा ऐसे लोगों की कल्पना कीजिए कि जो सदा शांतिपूर्ण तरीकों को ग्रहण किए हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे हों, उन्हें हर दर्जे की हिंसा का और राज्य की हथियारबंद शक्ति का सामना करना पड़ा हो। ऐसा करने में हमें कोई प्रसन्नता नहीं हुई और इससे हमारे मन में बड़ी समस्याएं और संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। हम लोग एक सरकार की हैसियत से शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे और यदि हम शांति और व्यवस्था कायम नहीं रख सकते थे तो सारे देश के छिन्न भिन्न होने का भय था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने का या किसी दूसरे रूप में कार्य करने का हमें अधिकार न था, लेकिन हमारे मन में सदा यह संघर्ष और ख्याल रहा है कि महात्मा गांधी ने जिन बड़े सिद्धांतों को हमें सिखाया था उनके विषय में हम कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। हम बातें तो गांधी जी के सिद्धांतों की करते थे, पर हम हर कदम पर उनको अमल में लाने में असफल होते थे। यह कष्टकर परिस्थिति थी, परंतु देश में उस समय जो वस्तु स्थिति थी उसे देखते हुए हमें एक विशेष प्रकार से कार्य तो करना ही था। मैं नहीं कह सकता कि हमने इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह अच्छा होता। हम लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया और किसी समय भी महात्मा गांधी के संदेश की यथार्थता या सत्य से इनकार ना करते हुए हमने वह किया जिसे कि हम अत्यंत आवश्यक समझते थे। अब जो प्रश्न बार-बार अपने विविध रूपों में हमारे सामने आता है वह यह है कि हम एक व्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जब तक कि नागरिक स्वतंत्रता का खूब विस्तार ना हो, देश में असली स्वतंत्रता नहीं हो सकती है।